दे खुदाया हौसला। बीबी जी, साहब ने इस तस्वीर को इस कमरे से हटाकर कहीं और लगाने का हुक्म दिया था। क्यों? क्योंकि इसमें अलिश्बा है। मेरी पहली बीवी। वो तो मुझे अंदाजा हो गया था, फरवा बिल्कुल अपनी मामा जैसी है। अकबर से मैंने कहा था कि इस तस्वीर को यहां से हटा दें। इसे वहीं लगा दीजिए। आपको कोई एतराज नहीं? मुझे क्यों एतराज हुआ, इतनी अच्छी तो फोटो है, इसे वहीं लगा रहने दीजिए। ठीक, जैसी आपकी मर्जी, आपका घर, जैसे चाहे मर्जी रखे। खुदा ना खास्ता कुछ तलाक तो नहीं हुई ना आपकी? अच्छा वक्त गुजरा होगा आप और बच्चों का भी, तो ऐसे में ऐसी अच्छी यादों को मिटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। थैंक यू सो मच तुरैना, सिर्फ मेरे ही नहीं मेरे बच्चों के जज्बात का भी एहसास करने के लिए। मेरी जिंदगी के सफर की अब आप हम सफर। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कभी भी जज्बात और एहसासात को इस ना पहुंचे। थैंक यू सो मच। बीबी जी, ये कुछ किताबें और कागजात मिले हैं, आप देख लें, फरवा बीबी और साइम बाबा भी देख लें, अगर उनके काम की हैं तो निकाल लें, वरना मैं इनको अलग कर देता हूँ। ठीक है, तुम साइम और फरवा को बुला लो, उनसे पूछ लो, वो तुम्हें बता देंगे। बीबी जी, फरवा बीबी तो घर पर नहीं है, साइम बाबा हैं, उनको मैं बुला लेता हूँ। ठीक है, बुला लो। कौन सी किताबें? वाह, इनको फेंक दो। साइम, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या बात? अकबर, ले जाओ इसे। ये क्या है? क्या है ये? हाँ तो फिर क्या करूं? तुम्हें 1 महीने के लिए कॉलेज से सस्पेंड किया गया है, तुमने बताना मुनासिब नहीं समझा? तो इसमें कौन सी ऐसी बात थी बताने वाली? कमाल है, तुम्हें कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही? आपको जो भी करने ना करने, हर काम में इंटरफेयर करते हैं। अपने डैड को बताया तुमने? मैं किसी को जवाब दे नहीं, अपनी मर्जी का मालिक है। आपने डैड को बताना है तो बता दें, जो करने कर लें। मैं बस तुम्हें समझा रही हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। बेहतर होगा तुम जाके अपने डैड को खुद बताओ, वरना मैं बता दूंगी। और अगर मैं नहीं बताता तो? तो फिर ये तुम्हारे लिए वार्निंग है, ये रहा। हाँ बोलो।
क्या हुआ साहिम, तुम इतने गुस्से में क्यों? एक तो तुम्हारे रिश्तेदारों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। किसने? अरे वही दूरे ने। आप साहिम, मुझे तो तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही, जरा बताओगे कि क्या हुआ है? अरे उस दूरे ने आपके हाथ में मेरा सस्पेंडिंग लेटर लग गया। तो फिर उन्होंने बता दिया सबको? अरे नहीं, अभी उसने डैड को नहीं बताया, लेकिन उसने मुझे धमकी दी है कि वो डैड को सब बता देगी। अगर तुम्हारे डैड को पता चल गया फिर क्या होगा? अरे यार डैड बहुत गुस्सा होंगे और गाड़ी की चाबी भी ले लेंगे, दोस्तों में आना जाना भी बंद कर देंगे यार। तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि जो बिया कह रही है तुम उन्हें ही झूठा साबित कर दो? थैंक्स यार रेशन, मुझे पता है मैंने क्या करना है। जंगीर आ जाए। ले भी फरजाना, अब तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने मुन्ने से भी बात कर ली है और गांव के दो चार लोगों की भी ड्यूटी लगा दी है कि मुन्ने का खास ख्याल रखना। जो ख्याल बाप रख सकता है ना वो कोई दूसरा नहीं रख सकता। और तो क्यों परेशान होती है? सारा इंतजाम कर लिया हुआ मैंने, शहर में मैंने तेरे लिए एक बहुत बड़ा घर भी देख लिया और मुन्ने के लिए पढ़ाई के लिए स्कूल भी। जब सारा इंतजाम कर लिया है तो फिर हमें क्यों नहीं साथ लेके जा रहा? क्यों तू इतना जल्दी कर रही है? अरे सैलरी तो आने दे। मैंने अपने दोस्त को कह दिया है मैं जैसे इसको फोन करूंगा वो तुम दोनों को रेलवे स्टेशन छोड़ देगा, वहां से लाहौर से मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। तो ये सारा सामान? ओ भाड़ में जाए ये सामान, सारा कूड़ कबाड़ है, इसको यहीं बेच दे। वहां पे मैंने तेरे लिए बड़ा शानदार इंतजाम किया हुआ है। अच्छा? हाँ। अब मुस्कुरा के नहीं देखेगी मुझे? जब इंसान का दिल ही उदास हो तो बाहर से भला वो क्या मुस्कुराएगा। अच्छा जी, सीरियसली पहली बार लग रहा है कि आज इस घर में खाना बना। इस पूरे खाने की खुशबू से ना ये पूरा घर महक गया। तुम्हारे लिए तो बनाया, मजे से खाओ, ये लो और लो। भाई मुझसे तो अब सबर नहीं हो रहा, मेरे तो यकीन करे मुंह में पानी आ रहा है। आराम से खाओ तुम और। रहमा पी ये खाना खा के घर की याद आ गई। आपने वाकई बहुत अच्छा बनाया। तुम भी सीख लो रहमा आप से खाना बनाना। ड्राइवर खाना वाकई बहुत मजेदार बना। थैंक यू खाला, लेना आप भी और। हाँ हाँ मैं ले रही हूँ। साहिम कॉलेज नहीं गए? डैड दरअसल कॉलेज में मीटिंग के लिए बुलाया था। मीटिंग पर खैरियत? दूरे ने आप नजर नहीं आ रही, उन्होंने आपको बताया नहीं? क्या बताना था, क्या कहना चाह रहे? डैड मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल ने आप दोनों को मीटिंग के लिए बुलाया था। दूरे ने आपको मैंने ये बात बता भी दी थी, इनफैक्ट मैं तो आपको भी बताने आ रहा था लेकिन उन्होंने मुझे रोक दिया और कहा कि वो आपको बता देंगी और मेरे साथ खुद मीटिंग पर चलेंगी। नहीं मुझे तो नहीं बताया, हो सकता है भूल गई। डैड ऐसे कैसे भी भूल सकता है, उन्हें तो मैंने रात में भी याद करवाया था। इनफैक्ट मैंने तो उनसे पूछा भी कि उन्होंने आपको बता दिया और उन्होंने मुझसे झूठ बोला कि उन्होंने आपको बता दिया और आपको तो यहाँ कुछ पता भी नहीं। डैड नहीं साहिम, दुरैन आप झूठ नहीं बोल सकते। तो मैं झूठ बोल रहा हूँ?
मैं उनके साथ जितनी भी कोशिश कर लूँ मॉम जैसा बिहेव करने की, पर वो बात में बात पर ये साबित कर ही देती हैं कि वो मेरी मॉम नहीं है। डैड साय, मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था। आई रियली अप्रिशिएट कि तुम लोग दुल्हन आपके साथ एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हो। डैड लेकिन क्या फ़ायदा, वो तो कोशिश ही नहीं करी। वो आपके सामने कुछ होती हैं और आपके जाते ही उनका रवैया बदल जाता है। आपने देखा था उस दिन किस तरह गलत अंदाज में उन्होंने आपको मेरी बात बताई थी। ऐसा नहीं है साहिब, थोड़ा टाइम दो दुल्हन ने आपको। डैड आपको तो हम ही गलत लगेंगे, वो आपको फिर बता देंगे कि मैंने उन्हें ऐसा कुछ नहीं कहा और आप भी उनकी बात पर यकीन करके हमें झूठा मान लेंगे। इसलिए मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद डैड। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ दुल्हन आपसे। तुम ये बताओ कि मीटिंग के सिलसिले में डैड कॉलेज में मेरी एक लड़की के साथ लड़ाई हो गई। वो धुरे नेहाब और आपकी शादी को लेकर बुरा भला बोल रहा था और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरा हाथ उठ गया। डैड फिर मुझे कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया। डैड ये बात धुरे ने आपको पता? डैड ये बात मैंने सबसे पहले उन्हें ही बताई थी, लेकिन उन्होंने आपको भी नहीं बताया और मेरे साथ खुद भी कॉलेज नहीं गई। अब मैं इस बात का यही मकसद समझ सकता हूँ ना डैड, कि उन्हें हम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है मैं चलता हूँ। डैड आपने रेस्ट करने के लिए ऑफ किया है, आप रेस्ट करें, मैं खुद देख लूँगा। टाइम अगर कोई और बात है तो मुझे बताओ, मैं चलता हूँ ना तुम्हारे साथ। डैड मैं इतना बड़ा हूँ कि मैं मैनेज कर लूँगा, आप फिक्र मत करें। अच्छा ठीक। कहाँ जा रहे हो बेटा? तहर आज मेरा दोस्तों के साथ शॉपिंग का प्लान है। चलो ये तो अच्छी बात। तहर आप नहीं गए आज? नहीं यार, तबीयत कुछ अपसेट सी है। डैड, डैड, आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। अरे नहीं बस ऐसे ही जरा चक्कर से आ गए, बुखार नहीं है। डैड आपका बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, आप मेरे साथ चले, अंदर चले। डैड प्लीज। अकबर, अकबर। साव्यार, ये डॉक्टर क्यों आए थे? खैरियत तो है ना? डैड की कुछ तबीयत नहीं ठीक थी, डॉक्टर चेकअप करने आए थे, कुछ मेडिसिन्स दी हैं। मौसम में तब्दीली की वजह से कुछ तबीयत डाउन है। साव्यार आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आपने मुझे बताया ही नहीं। कुछ बातें बताई नहीं जाती। आपको इतना भी एहसास नहीं है कि डैड की कितनी तबीयत खराब थी? आप कैसी वाइफ है उन्हें छोड़कर आप ऑफिस चली गई? अगर इस जगह मेरी मॉम होती ना तो उन्हें सब पता होता। तुम इन्हें मॉम से कंपेयर करी? इन्हें ख्याल तो है लेकिन सिर्फ अपना। आज डैड की तबीयत खराब थी और ये फिर भी ऑफिस चली गई। नहीं सायम, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि साविया की तबीयत इतनी खराब हो जाएगी। तेरा आपने तो कहा था कि दुरे ने आप बहुत रिस्पॉन्सिबल और केयरिंग हैं। ये है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इन्हें इतना ही नहीं पता कि आपकी तबीयत कितनी खराब है। डैड आप तो इन्हें ये कहकर इस घर में लेके आए थे कि ये हम सबका ख्याल रखेंगे, हमारा तो छोड़ें ये आपका भी ख्याल नहीं रख पा रहे। साहिम आपके डैड ने ही मुझे कहा था कि उनकी तबीयत ठीक है तो मैं इसीलिए ऑफिस चली गई थी। ओके, ऐसा करें आप दोबारा चली जाए, मैं कह रही हूँ डैड बिल्कुल ठीक है, चाहे दोबारा ऑफिस चली जाए। जा क्यों नहीं रही, अब क्यों खड़ी हुई है यहाँ? परवा साहिम, तो आपसे मैंने ही बोला था कि वो ऑफिस जाए।
डैड आप तो बस ही कर दें। क्यों आप इनकी इतनी साइड लेते हैं? मुझे दुख होता है आपकी ये हालत देखकर। बस बहुत हुआ, मैं रेस्ट करना चाह रहा हूँ। जाओ। I'm so sorry, Zafar. कोई बात नहीं, मैं बेहतर हूँ पहले से। बस थोड़ी सी गनूत की आ रही है, शायद मेडिसिन दी है ना डॉक्टर ने, सोना चाह रहा हूँ। इतना भी एहसास नहीं कि डैड की कितनी तबीयत खराब थी? आप कैसे वाईफाई में छोड़कर आप ऑफिस चली गई? अगर इस जगह मेरी मॉम होती ना तो उन्हें सब पता होता। तुम इन्हें मॉम से कंपेयर करी? इन्हें ख्याल तो है लेकिन सिर्फ अपना। डैड आप तो इन्हें ये कहकर इस घर में लेके आए थे कि हम सबका ख्याल रखेंगे, हमारा तो छोड़े ये आपका भी ख्याल नहीं रख पा रहे। क्या हुआ, कहाँ थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बर्तन धो रही थी। बर्तन? लेकिन क्यों, इशल कहाँ है? बाहर ही थी। क्यों, क्या जरूरत है भाई घर के काम करने की? ऑलरेडी तुम ऑफिस से थकी हुई आती हो, मम्मी और इशल कर तो रही होती हैं। अरे तो क्या हो गया शाज़े? वो दोनों बेचारी पूरा पूरा दिन घर के काम करती हैं। अगर मैंने रात में आके कुछ देर हेल्प कर दी तो इसमें क्या बुराई है? चलो तुम रेस्ट कर लो। मैं ना आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, मेरे भी सर में दर्द हो रहा है। चलो ले आओ। इतनी देर लगा दी है इसने, चाय का क्या कह दिया? मैंने जाके किचन में बैठ गई है। ईशल बेटा चाय ले आओ। जी आ गई चाय। बहुत देर लगा दी तुमने। जी रख तो इधर, मैं तो इसमें से धुएं उठ रहे हैं, उसे ठंडी करके पीती हूँ। बहुत देर लगा दी तुमने चाय के लिए, सारी करती रह गई। क्या बात है बेटा, कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं अम्मी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलो और बैठो ना, बैठ के बताओ आराम से मुझे। अम्मी मैं सोच रहा था कि घर में एक मुलाजमा रख लेते हैं और मेरी सैलरी भी अच्छी है तो हम अफोर्ड कर सकते हैं। क्यों बेटा, ये अचानक मुलाजमा की क्या जरूरत पड़ गई है? मैं सारी जिंदगी से मैं अच्छा भला घर का काम कर रही हूँ और अब तो ईश्वर और मेरा भी मेरे साथ हेल्प करती हैं। नहीं आप लोग काम तो कर लेते हैं लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि अब देखें ना, आप भी घर के काम कर करके थक जाती हैं और फिर ईश्वर को भी पढ़ना होता है और मेरा भी ऑफिस जाती है और वो ऑफिस से आगे थक भी जाती है तो फिर घर के काम भी। हाँ तो साफ साफ कहे ना भाई कि आपको मेरहा भाभी के काम करने से मसला है, वरना अम्मी तो काफी अरसे से अकेले ही काम कर रही हैं। ईशल पहले सिर्फ अब्बू जॉब करते थे और हमारे घर के हालात भी ऐसे नहीं थे। अब मैं भी जॉब करता हूँ और घर के हालात भी अच्छे हैं, अफोर्ड भी कर सकता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा आराम मिल जाएगा।
अरे मियाँ रहने दो, सब जानती हूँ मैं। जुमा जुमा 8 दिन हुए तुम्हारी बीवी को आए हुए और अभी से तुम्हें उसकी थकावट महसूस होने लग पड़ी है। मम्मी इसमें कोई गलत बात भी नहीं है और आपको अंदाजा भी नहीं है कि ऑफिस की लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है। ऑफिस के बाद घर आके काम संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मुझ जैसा आदमी जैसे घर आके थक जाता है तो उठने की हिम्मत भी नहीं होती। वो तो फिर लड़की है, उसके लिए मुश्किल हो जाता होगा ना। ना सिर्फ इसलिए कि वो बहू है और घर संभालना उसकी जिम्मेदारी है, हम ये बात कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि वो ऑफिस जाती है और ऑफिस से घर आके थक जाती होगी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ये कहना चाहते हो कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, FA पास हूँ पूरी, और ये भी जिता रहे मुझे कि मैं नौकरी नहीं करती। ठीक जा रहे हो मियाँ, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। सच सच बताएं भाई, आपको ये बात मिरहा भाभी ने कही है ना? मिरहा मुझे क्यों कहेगी, मैं तो खुद कह रहा हूँ। और मिरहा मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है, इसी तरह आप लोग भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं तो सबका सोच के कह रहा हूँ, सिर्फ मिरहा की बात नहीं कर रहा। बस रहने दे भाई आप भी। अच्छा बेटा, अब आज के बाद मैं तुम्हारी बीवी को कोई काम नहीं कहूंगी, ठीक है? अम्मी आप गलत समझ रही हैं। मेरा मतलब ये नहीं था जो आप समझ बैठी हैं। देखा अम्मी, याद आ गई अब मुलाजमा की इनको। ये समझते हैं कि पता ही कुछ नहीं माओ को, तजर्बा है कितना हमारे पीछे। ऐसे बदलते हैं बीवी के आने के बाद, पहचाने नहीं जाते कि वही बेटे हैं। अभी तक चेंज नहीं किया। आप उठ के मैं सूप बना के ला दूं? थैंक यू सो मच, फीलिंग बेटर नाउ। क्या बात है, बच्चों की वैसे परेशान? उन्होंने कौन सा कोई गलत बात की है? मैं लापरवाह हो गई थी, आपकी तबीयत का ख्याल ही नहीं रहा। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, बच्चे शायद ये तबीयत की वजह से कुछ परेशान हो गए थे, इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया। जी मैं जानती हूँ, उनकी बात का मुझे कोई बुरा नहीं लगा। तो फिर इतनी चुप चुप क्यों? बस ऐसी परेशान हूँ कि मुझे ऑफिस नहीं जाना चाहिए था। चले छोड़े, जो हुआ सो हुआ। दुरेन आया आप? जी। सायम ने आपसे कोई बात की थी? नहीं तो। सायम ने आपसे अपने कॉलेज से सस्पेंड होने की या कोई मीटिंग की बात नहीं की थी? हाँ, उसने ये बात मुझे बताई थी कि उसे कॉलेज से सस्पेंड किया गया है, लेकिन ये तो नहीं पता है कि मुझे भी कॉलेज जाना था। और वैसे भी वो मुझे कॉलेज क्यों लेकर जाएगा, सायम तो मुझे पसंद नहीं करता। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, बच्चे आजकल आपसे बहुत कॉपरेट कर रहे हैं, आपकी बात सुनते भी हैं। इस बात पर यकीन नहीं कर सकता। अच्छा, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप भी बच्चों के साथ एडजस्ट होने की कोशिश कीजिए प्लीज। अच्छा, चेंज करके आती हूँ मैं।
अरे बेटा तुम रहने दो, मैं खुद ही उठा लूंगी। नहीं अम्मी, आप आराम से सुकून से नाश्ता खत्म कीजिए, ये मैं कर लूंगी। सुकून कहाँ रहने दिया सबने? भाई अभी तुम दो बर्तन उठा के ले जाओगी, जाने फिर जैनी को क्या जाके बताओगी, वो फौरन आ जाएगा मुझसे सवाल करने कि आपने मेरी बीवी से काम क्यों करवाया। अम्मी आप क्या कह रही हैं? मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। जबी तो उसको अपनी माँ और बहन का काम करना तो नजर नहीं आता, लेकिन तुम्हारा काम करना उसको फौरन नजर आ गया है। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही। अरे बेटा तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, ये तुम मुझे दो बस, मैं छोड़ाती हूँ। भाई अभी तुम दो बर्तन उठा के ले जाओगी, जाने फिर जैनी को क्या जाके बताओगी, वो फौरन आ जाएगा मुझसे सवाल करने कि आपने मेरी बीवी से काम क्यों करवाया। उसको अपनी माँ और बहन का काम करना तो नजर नहीं आता, लेकिन तुम्हारा काम करना उसको फौरन नजर आ गया। राय मापी, आप कहाँ जा रही हैं? वो जहांगीर आ रहा ना शाम को मुझे पिक करने के लिए, तो बस पैकिंग करने जा रही थी। ओहो, मैंने तो सोचा था आपसे कुछ खाना ही बनवा लेती। रेफ्रिजरेट कर दूंगी ना, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। थैंक यू। हाँ तो तुम बनवाओ ना मुझसे, बताओ क्या बना के दो तुम्हें। नहीं नहीं अब रहने दें, अब क्या। उसामा से मैंने कहा था मुझे कुछ पैसे दे जाएं, मैं बाहर से खाना मंगवा लेती, उन्होंने तो मना ही कर दिया। अच्छा ऐसा क्यों किया उसने? आप जो आ गई, बाहर खाने खा रहे थे उस दिन जहाँ हम गए थे, वो जगह भी बहुत एक्सपेंसिव थी, घर पे भी बहुत अच्छे अच्छे खाने बन रहे हैं ना, अब उन्होंने महीने के शुरू में ही सारा खर्चा कर लिया है ख़त्म, तो बाकी का महीना हाथ तंग रहेगा। अच्छा अब उसामा को कौन समझाए, वो तो बहन भाइयों के मोहब्बत में बिछ ही जाते हैं, बर्दाश्त तो मुझे करना पड़ेगा ना, उन्हें क्या। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी जान तुमने बताया ही नहीं। ये क्या बात हुई, बताया नहीं? अरे सरप्राइज देना था तुम्हें। अच्छा वो लाइव तुम आ गई, वो तो तुम्हारी हालत देखकर अंदाजा हो ही रहा है मुझे। नहीं ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? तुम मुझे बहुत चेंज चेंज सी लग रही हो। हाँ शायद। अच्छा चलो हम कहीं बाहर चलते हैं ना, तुम्हारा ऑफिस थोड़ी देखने के लिए आई हूँ मैं। ऐसा करते हैं घर चलते हैं, काफी दिन हुए तुम घर पर भी नहीं आई। हाँ ठीक है चलते हैं। और बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ? तुमने तो मुड़ के कॉन्टेक्ट ही नहीं किया, कोई खबर ही नहीं ली मेरी। बस घर में कुछ मसरूफियत पड़ गई थी, फिर मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, फिर मैंने सोचा अभी तो तुम गई हो तो थोड़ा टाइम तुम्हें दूँ घूमने फिरने के लिए। अरे कहाँ, लिटरली मैं तो बहुत बोर हो गई थी वहाँ पे, सारा दिन तो घर की दीवारों को ही देखती रहती थी। हाँ भाई जब देसी माहौल में रहने की आदत पड़ जाए तो वहाँ कहाँ रहा जाता है। हाँ ये तो है। अरे ये सब बातें छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि जावियार के साथ एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ना, मतलब घर में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ मुश्किल तो है,
बस यूँ कहो कि मैं शायद अभी तक वहाँ एडजस्ट ही नहीं हो पा रही। दुरे नायाब सदीकी को पहली बार कोई काम इतना मुश्किल लगा है? मुश्किल एडजस्ट होना नहीं है, मुश्किल उनके दोनों बच्चे फरवा और साइम को समझना है। एक्चुअली पहले तो मैं उनको बच्चों की तरह ही डील कर रही थी, लेकिन आई थिंक अब मुझे अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी और उनको उन्हीं की तरह डील करना पड़ेगा। एंड दैट्स द चैलेंज। क्या मतलब है? दोनों बच्चे मिलकर मुझे झूठा साबित करने पर तुले हुए हैं ताकि जावियार का भरोसा मुझसे उठ जाए, लेकिन अब मैं उन्हें समझ गई हूँ। ओह माय गॉड, तो ये बात तुम जावियार साहब से भी करो ना, आखिर उन्हें भी तो पता चले कि उनके बच्चे किस तरह के हैं। मसला तो ये है कि वो लोग मेरे सामने कुछ होते हैं और जब जावियार आते हैं तो बिल्कुल ही वो बदल जाते हैं। It's too difficult. और जावियार वो कैसे? जावियार खुद तो बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। देखो तुम, शादी करने से भी ज्यादा मुश्किल है शादी को चलाना, और उससे भी ज्यादा मुश्किल है इसे सक्सेसफुल बनाना। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, बेटर यही है कि तुम इस रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से निभाओ। मैं कोशिश कर रही हूँ निभाने की, बर्दाश्त करने की। हाँ दुर, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ तुम्हें, लेकिन दुर सिर्फ ये रिश्ता नहीं, जिंदगी में हर रिश्ता कुर्बानी मांगता है। लाइफ में मैंने तो जिंदगी भर कुर्बानी नहीं दी है, चले एक कुर्बानी और सही। That's like a good girl. देखो तो आज जो कुछ भी तुम इन बच्चों के लिए करोगी, जो कुर्बानी भी दोगी, ये से हमेशा याद रखेंगे और कल ये इस बात को जरूर रियलाइज करेंगे कि तुमने इनके लिए सेक्रीफाइस किया था, और ये तुम्हारी कदर भी करेंगे। लाइबो ये मैं उस वक्त सोचती थी जब उसामा, रायमा और मैटबिन मेरा छोटे थे, लेकिन हमेशा की तरह मेरे हाथ खाली रहे, कभी भी वफा नहीं मिली मुझे। सबर करो तू, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बहुत बेहतर ही सोचा होगा। मेरा पानी लो बेटा। थैंक यू। खाना लगाऊं तुम्हारे लिए? नहीं अम्मी, सबके साथ खा लेंगे। अच्छा, वो बिया कैसी है? बिया बिल्कुल ठीक है, इनफैक्ट आज ही बात हुई उनसे। दरअसल लाइबा आप ही आई है ना पाकिस्तान, तो उनके बारे में बता रही थी। भैया के घर वाले कैसे हैं? ठीक ही होंगे, मैंने पूछा नहीं, इस बार में बात ही नहीं हुई। अरे बेटा पूछा करो, वो शादीशुदा है, उसका अपना घर है। आप ठीक कह रही हैं, नेक्स्ट टाइम बात करूंगी तो जरूर पूछूंगी। वो मेरा, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी अम्मी कहिए, क्या बात? बेटा वो है ना जावियार साहब,
उनका बेटा साइम, ये जो ईशल का दोस्त है जी, फिर वो मैं और तुम्हारे अब्बा चाहते हैं कि ईशल और साइम की बातचीत चला दें। क्या अम्मी, क्या कह रही हैं आप? क्या अब मैंने कुछ गलत कह दिया है? अभी तो ईशल की पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई, तो क्या हम उसकी यूनिवर्सिटी छुड़वा देंगे? अरे बेटा, हम कौन सा कुछ कभी शादी करेंगे? अभी तो मैं कहती हूँ सिर्फ बातचीत कर लेंगे, शादी बाद में करेंगे। एक ही बात है। देखो ना बेटा, मैं सोचती हूँ कि ईशल यूनिवर्सिटी जाएगी, वहाँ किसको मिलती है किसको नहीं मिलती है, तो बेहतर नहीं है कि जिस लड़के को हम जानते हैं पहचानते हैं उसके साथ उसका रिश्ता कर दें? दे खुदाया।